हाई एवरी वन दिस इज वानिका आज का टॉपिक डिस्कशन का है देखिए चार डिस्ट्रिक्स हैं मिज़ोरम ने जिनको डिक्लेयर किया गया कि वो एपिसेंटर हो सकते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर के अब देखिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर क्या है क्योंकि इसको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है स्वाइन फ्लू से स्वाइन फ्लू से कैसे अलग है ये इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बात इस तरह के टॉपिक किस तरह से इम्पोर्टेंट रहते हैं जैसे मिजोरम ने ये अनाउंस कर दिया कि एपी सेंटर्स हैं तो इस पर सवाल ये नहीं आएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से एपी सेंटर्स हैं बट ऑल दो वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन ए एस एफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को ये इंपॉर्टेंट बनाता है और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए तो चलिए ये पूरा टॉपिक देखते हैं क्या है Uh, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस फेसबुक पे इंस्टा पे टेलीग्राम कहीं पे भी टेलीग्राम पे पी जो है आपको मेरा सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा तो चलिए डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं मिजोरम गवर्नमेंट ने uh, चार डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको अनाउंस किया कि या सेंटर हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू uh, फीवर के ए के और यहाँ पे पिग डिजीज़ जो है उसने ऑलमोस्ट थाउजेंड पिग से ज़्यादा एक महीने में पिग्स की डेथ हो गई और बहुत ही तड़प के वो मरते हैं अगर ये फ्लू किसी को हो जाए एनिमल को तो उसको हमको ही खुद मारना पड़ता है क्योंकि अगर डेथ रेट आप इसमें देखेंगे तो नियर अबाउट हंड्रेड ही रहता है बहुत ही एक्यूट डिजीज़ ये हो जाती है अब कौन से एरियाज़ हैं जहाँ जिनको एपिसेंटर घोषित किया गया प्रोनाशिएशन इसकी डिफ़र कर सकती है बट लेट्स से लंग्स एंड विलेज लोंगलाई इलेक्ट्रिक वेंग लोकैलिटी में लोंगलाई डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट यह हो गया आर्म्ड वेंग एंड एडेंथर नेबरहुड आइजोल डिस्ट्रिक्ट आइजोल डिस्ट्रिक्ट में केतम विलेज इन सरचिप डिस्ट्रिक्ट और एक लोकेलिटी है आपकी इन सिहा टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसको डिक्लेयर किया गया है ये एपी सेंटर है वैसे पाँच इनके डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू देखा गया है आइजोल लोंगलाई सरचिप ममित और सिहाहा सिया अब लेकिन इन्होंने अगर आप देखेंगे मामित को नहीं डिक्लेयर किया है एपी सेंटर लेकिन बाकी चार डिस्ट्रिक्स को एपी सेंटर डिक्लेयर किया है और मिज़ोरम का ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वहाँ पे आना पहली बार हिस्ट्री में मिज़ोरम की मिज़ोरम की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है मामित डिस्ट्रिक्ट के बारे में जैसे बताया कि यहाँ पे एएसएफ रिलेटेड पिक डेथ्स हुई हैं लेकिन अभी तक इसको एपी सेंटर घोषित नहीं किया गया है फ़र्स्ट पिक डेथ इन्होंने कहाँ देखा है एसएफ का रिपोर्ट किया गया लोंगसेन विलेज में जो कि तलाबुंग सब डिविजन साउथ मिज़ोरम में लोंगलाई डिस्ट्रिक्ट के जहाँ से बॉर्डरिंग बांग्लादेश ये इसका लोकेशन है यहाँ पे सबसे पहला जो केस है पिक डेथ का एसएफ से वो हमको दिखता है उसके बाद एसएफ से जो जो पिक डेथ्स हो रही हैं बाकी के फोर विलेजेस में भी आपको दिखी जिनको एपिसेंटर घोषित किया गया है और अरुणाचल प्रदेश अगर हम वैसे इंडिया की बात करें अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट था नॉर्थ ईस्ट में जिसने इस तरह की अनयूजल पिक डेथ्स जो है मिड 2020 में भी बताई थी कि पिग्स इस तरफ से इस तरह से मर रहे हैं इस डिज़ीज़ को फिर आइडेंटिफाई किया गया और देखा ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है डोमेस्टिक पिग्स को भी हो रहा था लार्ज स्केल पर और फिर असम में अरुणाचल से क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जितनी भी असम में भी ये ट्रांसफ़र हो गया फिर अनयूजल डेथ्स जो हैं एटी सेवन पिग्स की वहाँ पर रिपोर्ट की गई तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से ही आया और यहाँ पे आईजोल में देखिए एटी सेवन पिग्स की डेथ हुई है इसी तरह से जो नंबर्स हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और इंक्रीज़ हो रहे हैं इस डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा थ्रेट रहता है क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में अरुणाचल में असम में मेघालय में अभी तक सेवनटीन थाउजेंड पिग्स पहले से जब से ये डिस्कवर हुआ है कि ए एस एफ इंडिया में पिग्स को प्रॉब्लम कर रहा है फ़ीवर कर रहा है उनकी जान ले रहा है तो अभी तक आप देखेंगे जैसे मिड ट्वेंटी में अरुणाचल प्रदेश में पाया गया तो सत्रह हज़ार पिग्स की डेथ्स इसकी वजह से हो चुकी हैं लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है और पैनिक नहीं करना है ए एस एफ ह्यूमन्स को नहीं हो सकता ये पिग्स टू एनिमल टू एनिमल ही ट्रांसफ़र होता है पिग्स से ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र नहीं होता सो तो डरने की बात नहीं है लेकिन हाँ एनिमल्स के लिए डरने की बात है कि हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं डिपार्टमेंट रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1119 पिग्स अभी तक मर चुके हैं एएसएफ से और इससे मॉनेटरी लॉसेस भी बहुत होते हैं क्योंकि पूरा इंडस्ट्री फार्मिंग जो है एनिमल फार्मिंग इनकी चल रही है अराउंड 4.47 करोड़ का नुकसान हो चुका है तो गवर्नमेंट करेंटली हर तरह का असेसमेंट कर रही है जिन एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है उनको खुद से मारना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो असेसमेंट करने के बाद ये सारे स्टेप्स जो हैं पिग्स के लिए वो लिए जाएंगे अब एएसएफ के बारे में अगर हम जाने तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है डेडली वायरल डिजीज़ है जितने भी स्वाइन पिग्स रहते हैं किसी भी एज के किसी को भी ये डिज़ीज़ हो सकती है चाहे वो डोमेस्टिक पिग हो या वाइल्ड फेरल पिग हो कंसर्न डिपार्टमेंट अब प्रोसीडियर्स निकाल रहा है कि किस तरीके से हम इस फीवर को कंटेन कर सकते हैं रोक सकते हैं पिक्स को बचा सकते हैं गवर्नमेंट ने मैसिव कंटेनमेंट मेजर्स लिए हैं इस पिक डिजीज़ को ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में और ज़्यादा ना फैले अब देखिए मिज़ोरम जैसे जो स्टेट है हमारी ये हमारे ये इंपॉर्टेंट है जोग्राफी के हिसाब से मैप में भी आगे देखते हैं तीन इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी इंटर स्टेट बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ मणिपुर के साथ त्रिपुरा के साथ और इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ये शेयर करता है मिज़ोरम के अराउंड एलेवन डिस्ट्रिक्ट हैं और चार पाँच में ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये डिजीज़ आ चुकी है तो ये रहा आपका मिज़ोरम यहाँ पे ये किसके साथ आप देख सकते हैं त्रिपुरा मणिपुर और असम के साथ डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अब अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर के बारे में और जानते हैं हाईली कंटाजियस है हाईली इन्फेक्शियस है फैटल है यानी एनिमल की डेथ हो जाती है जिसको इन्फेक्ट करता है हेमोरैगिक फ़ीवर होता है मल्टी सिस्टम सिंड्रोम हो जाता है फेलियर हो जाता है डोमेस्टिक वाइल्ड फिग्स में सबसे पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इसलिए कहते हैं अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था नाइनटीन में मॉर्टलिटी रेट यानी डेथ रेट हंड्रेड है क्योंकि इस फीवर का कोई क्योर नहीं है कोई वैक्सीन नहीं है आ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कि एनिमल्स से ह्यूमन बींगस को ये नहीं जाता नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के लिए थ्रेट नहीं है क्योंकि एनिमल्स टू अदर एनिमल्स ये फैलता है अब इस डिजीज़ को लिस्ट किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ में टर्शियल एनिमल हेल्थ कोड के अंदर और इसको जब भी रिपोर्ट किया गया है तो काफ़ी ख़तरनाक में आता है और अभी जो करंट आउटब्रेक अगर आप देखेंगे इस पर जितने भी एफ इशू हुए हैं अलग अलग देशों में इस टाइम ये फैला है चाइना में मंगोलिया में वियतनाम कम्बोडिया म्यांमार फिलिपन्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया इंडोनेशिया मैंगदर्स और वहाँ के स्वाइन पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट कर रहा है और वैसे अगर आप चाइना में देखेंगे फर्स्ट एएसएफ आउटब्रेक पहली बार कब कंफर्म किया गया था अगस्त 2018 इन कंट्रीज़ को इससे सफ़र करती हैं बहुत बार चाइना में पहली बार 2018 में आया था और उस टाइम मोर देन वन मिलियन पिग्स जो हैं उनको खुद से फिर मारा गया था जिनको ये प्रॉब्लम हो गई थी और एएसएफ इंडिया में कैसे आया थ्रू तिब्बत तिब्बत के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में आया मिड ट्वेंटी ट्वेंटी की जो हम बात करें फिर असम में आया जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन पिग्स की है हमारे देश में तो करंट आउटब्रेक इस तरह से और वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करें तो फिलहाल कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है ये भी एक रीज़न है कि उनको हमें खुद से मारना पड़ता है ताकि जिस पिग को ये हो जाए वो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे अब सुनने को तो ये बहुत इनह्यूमन लगता है बट हमारे पास कोई और तरीका नहीं है अदरवाइज़ बहुत सारे पिग्स जो हैं वो मारे जाएंगे अब ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर पिग्स कभी बीमार पड़ रहे हैं जो लोग फार्मिंग में हैं उनको वेदर एएसएफ से बीमार पड़ रहे हैं या कोई और क्लासिकल स्वाइन फीवर है उनको तो ये चीज़ सिर्फ लेबॉर्टरी के टेस्ट से ही पता चलती है क्योंकि कई बार कुछ स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं ये सफ़ से तो उस केस में लेबॉर्ट्री टेस्ट हमेशा कराना चाहिए क्योंकि दोनों डिफरेंट वायरस से होती हैं और बाकी जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है उसके लिए वैक्सीन मौजूद है इसलिए टेस्ट कराना ज़रूरी है अब स्वाइन फ्लू का आपने सुना होगा ये इंडिया में बहुत फैला था एक बार राइट तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर स्वाइन फ्लू से अलग है स्वाइन फ्लू ह्यूमस में भी होता है मेजर डिफरेंसेस देखिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर डीएनए वायरस से होता है स्वाइन फ्लू आरएनए वायरस से होता है ये दोनों अलग हैं स्वाइन एएसएफ जो है बहुत ही स्टेबल है ह्यूमंस uh, को इफेक्ट नहीं करता डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड पिग्स में होता है और साउथ अफ्रीका में इसका रिजर्वायर है सॉफ्ट टिक्स जो हैं उससे ये फैलती है इन्फेक्शन और स्वाइन फ्लू अगर आप देखेंगे बहुत सारे मैमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है बर्ड्स को भी इफ़ेक्ट करता है ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट करता है क्लासिकल स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो पिग्स में होता है वो सब टाइप जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का उससे होता है जिसको एच वन एन वन बोलते हैं ये स्वाइन फ्लू की मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा का कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये पिग्स में होता है साउथ अफ्रीका की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं ये इनके बीच के डिफ्रेंसिस हैं मेन बस पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बट यस पिग्स के लिए ताकि हम इसको कंटेन कर सकें तो हो सकता है एनिमल्स को मारा जाए प्रॉपर असेसमेंट के बाद अब देखते हैं कि आगे किस तरह से ये प्रोसेस चलता है कितना ये फैलता है ऑलरेडी एक तो अभी लोग कोरोना वायरस से इतना डरे हुए हैं और एनिमल्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो गवर्नमेंट पर एक किस्म का बहुत बर्डन हो जाता है तो यही डिस्कशन था हमारा जहाँ पे हमने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में जाना कैसे स्वाइन फ्लू से अलग है स्वाइन फीवर दिस इज़ नॉट uh, फ्लू दिस इज़ फीवर और ये स्वाइन फ्लू से कैसे अलग है ये हमने देखा बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी थैंक यू सो मच